साथियों अब आपके लिए एक और खुशखबरी कह सकते हैं भले ही अभी प्रक्रिया चल रही है साढ़े आठ दो सौ चवालीस वाली लेकिन आपके पास और भर्तियों का मौका सामने आ सकता है जैसा कि आपकी पहली बैठक हुई है लोकसभा चुनाव के बाद उसमें निर्णय लिया गया है कि खाली पदों पर होगी जल जल्दी होंगी भर्तियां जितने भी आपके खाली पद हैं जिस भी विभाग में वो सभी भरे जाएंगे अब देखते हैं आपके लिए क्या इसमें सूचना है लोकसभा चुनाव के बाद पहली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी ने दिए निर्देश इसमें युवाओं की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आपके एग्जाम कराए जाएंगे इसके लिए शैक्षिक कैलेंडर इस प्रकार तैयार किया जाए कि दस मई सभी आवश्यक परीक्षा संपन्न हो जाएं। भीषण गर्मी के मौसम में परीक्षाओं से परहेज किया जाना चाहिए ये तो हो गया आप परीक्षा के लिए अब खाली पदों पर देखते हैं क्या नजर डाली गई है क्या बताया गया है तो सबसे पहले आपके देखते हैं लोकसभा चुनाव के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यो के, के साथ हुई पहली बैठक में चुनाव की फीडबैक का असर साफ नजर आया बैठक युवा किसान और आम लोगों की समस्याओं के समाधान तथा बुनियादी ढांचों ने विकास केंद्रित रही मुख्यमंत्री जी ने खाली पदों पर जल्दी भर्ती और गन्ने का बकाया भुगतान और आगे से 10 मई से पहले सभी परीक्षा कराने के निर्देश दिए गए हैं साथ ही अनावश्यक बिजली कटौती न करने को कहा गया है तो इससे स्पष्ट हो रहा है साथियों कि भर्तियों पर जोर दिया जाएगा इस बार और आप अपनी तैयारियां करते रहें जिससे कि आपको किसी भी भर्ती में कोई भी रुकावट ना हो आप सिलेक्शन पा सकें और भर्तियाँ भर्तियों का इंतजार जो अभ्यर्थी कर रहे हैं और वो अपनी तैयारी करते रहें साथियों जिससे कि उनका सिलेक्शन हो सकते साथियों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें जय हिंद जय भारत साथियों